हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नीतू डायनामिक में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नेनुआ मूली की सब्ज़ी। ये मैंने नेनुआ को अच्छे तरह से छील के धो के रख दिए हैं, मूली को भी छील के धो के रख दिए हैं, और ये मैंने थोड़ा सा पत्ता लिए हैं, इसको भी डालेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनेगा। थोड़ा सा और भी अगर आपके पास पत्ता हो तो आप दे सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पसंद करें तो आप दे सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ही पत्ता लीजिए और बनाइए। मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये मैंने लहसुन लिए हैं, दो हरी मिर्च, एक सूखी खड़ा मिर्चा, ये थोड़ा सा चीनी, देखिए छोटे चम्मच का आधा चम्मच चीनी लिए हैं, ज़्यादा नहीं है। और ये मैंने मेथी लिए हैं, थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। बस अब इसको कैसे काटना है और कैसे बनाना है आपको दिखा देते हैं। देखिए ऊपर का साइड थोड़ा काट देंगे, इसको बीच में से इसको इस तरह से काट लेंगे, और इतना ही साइज में उसको काटना है। और मूली को भी इसी तरह से आपको काट लेना है। मूली को पतले साइज में थोड़ा काटिएगा, मोटे साइज में नहीं। देखिए कुछ इस तरह से आएगा, पतले साइज में काटे हैं। इसी तरह मूली को काटना है। लहसुन को जो है कूच लेना है, खल्लर में थोड़ा कूच लीजिएगा। देखिए मैंने इसको काट लिए हैं, अब इसको थोड़ी देर बाद काटेंगे इसको। अभी ये दोनों को काट लिए, तब तक तड़का लगा दें। कढ़ाई बैठा दिए हैं, मैं इसमें सरसों के तेल से बनाऊंगी, ज़्यादा तेल नहीं लगेगा इसमें, बस एक से दो चम्मच तेल लगेगा सरसों का तेल। तेल गरम हो गया है, अब इसमें मेथी दाने डाल देंगे। और ये लहसुन भी डाल देंगे। देखिए लहसुन को कूच डाले हैं, उसके बाद डाल रहे हैं। सूखी हरी मिर्च को इस तरह से डाल देंगे। लहसुन जब ब्राउन हो जाए तो ये मूली को इसमें डाल देंगे। और साथ में ये दो हरी मिर्च भी डाल देंगे। हरी मिर्च को मैंने यहाँ से दो हिस्से में काट दिए हैं, इसी तरह करना है। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। तब तक मैं ये पत्ते को काट लूँगी।
मूली का जो ये डंठल जो है इसी में डाल दूंगी पहले, ताकि ये फ्राई हो जाए। पत्ते को अभी नहीं डालेंगे। देखिए ये गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ताकि मूली का जो कच्चापन है वो हट जाए। फ्राई हो गया है, अब इसमें नेनुआ को डाल देंगे। अब इसको थोड़ा मिक्स होने के बाद ढक देंगे इसको। देखिए इसको खोल देंगे ढक्कन। अब इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी अब इसको मिक्स करेंगे। ये मूली का पत्ता भी इसमें डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करके इसको ढक देंगे। 5 मिनट इसको ढक के रख देंगे, चेक करेंगे। फिर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर 5 मिनट के लिए ढकेंगे। 5 मिनट हो गए, देखिए पानी छोड़ दिया है। अब इसको पक भी गया है। अब इसी में चीनी डाल देंगे 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। अब इसको तेज आंच में थोड़ा सूखने देंगे, बहुत पानी है। देखिए मेरा हो गया है। थोड़ा सा और सुखाना चाहते हैं तो इसे और भी सुखा सकते हैं। नकली की तरह रहने दीजिए। रोटी के साथ, चावल के साथ, ज़्यादातर रोटी के साथ अच्छा लगेगा, और चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है इस तरह से बनाने में। मेरा तो ये हो गया है, इसको अच्छा सर्व कर दूँगी। देखिए मेरा नेनुआ मूली की सब्ज़ी तैयार हो गया है। और जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबाना मत भूलिएगा। ऑल बटन को दबा देंगे तो मेरा सारा नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ तो नोटिफिकेशन में आते रहेंगे। और इस तरह से, जिस तरह से मैंने बनाया है नेनुआ मूली की सब्ज़ी, इसी तरह आप घर में बनाइए। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है, हेल्थफुल भी है। कम तेल में बना है, ज़्यादा तेल भी नहीं लगता इसमें। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।